नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रोफेसर ए.के. नवीन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से आज श्रोताओं को महात्मा गांधी के चिंतन व दर्शन की प्रासंगिकता पर एक अपने छोटे से भाषण दूंगा। महात्मा गांधी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गांधी जी ने अपने चिंतन में भारतीय मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत किया, जिसमें पवित्रता, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का आधार था। गांधी जी के चिंतन को समझना इतना सरल भी नहीं है, तथा उसे समझने के लिए अनेक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर उनके चिंतन का विश्लेषण करना होगा। गांधी जी के चिंतन का विश्लेषण उनकी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, सामाजिक बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, उपवास, व्यक्ति एवं समाज, सर्वोदय, सत्यनिष्ठा, मशीनीकरण का निषेध, श्रम की अनिवार्यता, बुनियादी शिक्षा, स्वदेशी, खादी तथा सामाजिक बुराइयों जैसे अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, अस्पृश्यता व सामाजिक न्याय की संकल्पना इत्यादि पर विचार करना होगा। धर्म संबंधी चिंतन। गांधी जी के अनुसार धर्म का आशय किसी संकुचित धर्म से नहीं है, अपितु सामंजस्य स्थापना से है। गांधी जी के अनुसार धर्म का वही अर्थ है जो नैतिकता का है। मानवीय आचरण के ऐसे नियम जो मानव ने सदियों से आत्मसात कर रखा है, जिससे सृष्टि का संतुलन बना हुआ है, उनके अनुसार नैतिकता का सार मानव मात्र की सेवा करना है। वे हिंदू धर्म को ही एकमात्र धर्म नहीं मानते थे। गांधी जी ने कहा है कि सभी धर्म समान नैतिक नियमों पर आधारित हैं। मेरा नैतिक धर्म उन नियमों से बना है जिनसे सारे ब्रह्मांड के मानव आबद्ध हैं। ईश्वर, सत्य, अहिंसा एवं प्रेम संबंधी चिंतन। सत्य गांधी जी के चिंतन का आधार स्तंभ है और ईश्वर सत्य का पर्याय है। गांधी जी के अनुसार सत्य के द्वारा ही ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। गांधी जी का यह विश्वास है कि ईश्वर का निवास समस्त मानव एवं मानवेतर प्राणियों में है। समस्त प्राणियों में एक ही ईश्वर निहित होता है। वह सर्वव्यापी है, वह समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है। अतः विश्व प्रेम के अभ्यास द्वारा ही व्यक्ति सत्य अर्थात ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सत्याग्रह संबंधी विचार। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, अर्थात आत्मशक्ति, प्रेम, भक्ति और सत्य शक्ति का आग्रह। गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार सत्याग्रह एक ऐसी दोधारी तलवार है, उसे चाहे जैसे काम में लिया जा सकता है। तलवार जो चलाता है और जिस पर चलाई जाती है, वे दोनों सुखी होते हैं। वह खून नहीं निकालती, लेकिन उससे भी बड़ा परिणाम ला सकती है। गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह एक सकारात्मक तथा विधेयात्मक संकल्पना है। गांधी जी के मत के अनुसार सत्याग्रही की तलवार को म्यान की जरूरत नहीं रहती है, उसे कोई छीन नहीं सकता, तथापि वह दुर्बल का अस्त्र नहीं है। सत्याग्रह के लिए जो हिम्मत और बहादुरी चाहिए, वह तोप का बल रखने वालों के पास नहीं हो सकती है। सत्याग्रह के साधन। सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन है।
गांधी जी के अनुसार सविनय अवज्ञा का अर्थ अनैतिक सरकारी कानून का अनुसरण न कर उनकी विनय एवं विनम्रता के साथ अवज्ञा करना है। इसका अर्थ है कि प्रतिरोधकारी सविनय अवज्ञा अर्थात अहिंसक रूप से कानून की अवज्ञा करना है। इसका उद्देश्य राज्य के द्वारा निर्मित अनैतिक कानूनों का विनम्रता पूर्वक उल्लंघन करना है। असहयोग, असहयोग सत्याग्रह की एक शाखा है जिसमें सत्य के समर्थन में किए गए समस्त अहिंसक आंदोलन सम्मिलित हैं। गांधी जी ने समय समय पर सत्याग्रह के अस्त्रागार से नए नए अस्त्र दिए। उनका मानना था कि सत्याग्रह की आत्मा वही रहती है, केवल अस्त्र बदल जाते हैं। सत्याग्रही असहयोग के विकास के लिए अन्य अहिंसक साधनों यथा हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, धरना, उपवास एवं आमरण अनशन का प्रयोग भी करते हैं, परंतु नैतिक आधारों पर आमरण अनशन को अहिंसा के विरुद्ध माना जा सकता है, क्योंकि खुद के प्रति आमरण अनशन करना एक प्रकार की हिंसा है। हड़ताल, हड़ताल का अर्थ है विरोध प्रदर्शन के लिए व्यवसाय व व्यावसायिक अधिष्ठानों को कुछ समय के लिए बंद कर देना। इसका उद्देश्य कार्य को बंद करके जनता, सरकार तथा तत्संबंधित संस्थाओं के मस्तिष्क को प्रभावित करना है। सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार भी सत्याग्रह की एक शाखा है। गांधी जी के अनुसार सामाजिक बहिष्कार का आशय समाज के उन कलंकित लोगों का बहिष्कार करना है जो जनमत की अवहेलना करते हैं और जन कल्याणकारी कार्यों की अवहेलना करते हैं। धरना, गांधी जी के अनुसार धरने का प्रयोग अहिंसक प्रतिरोध के साधन के रूप में होना चाहिए। इसके अंतर्गत धरना देने वाले का कर्तव्य जनमत को जगाना, उपयुक्त वातावरण बनाए रखना तथा हृदय परिवर्तन के द्वारा वास्तु स्थिति को समझना है। उपवास, उपवास को गांधी जी की आत्मशुद्धि का उपाय मानते हैं। उन्होंने उपवास को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हुए इसके दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उचित और न्याय सम्मत कार्य के लिए किया गया उपवास आत्मशुद्धि का मार्ग है, जबकि मेरे विचार से अनावश्यक उपवास स्वयं के प्रति हिंसा का एक रूप है। व्यक्ति एवं समाज की अवधारणा, मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उसका स्वभाव है। समाज के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। बिना समाज के व्यक्ति का मानव के रूप में जीवन जीना भी मुश्किल होता है। समाज, व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की सत्ता, स्थिरता एवं प्रगति की कल्पना करना भी कठिन है। समाज के बिना मानव केवल अंध पशु है और मानव के बिना समाज विसंगत और अर्थहीन है। बहुत से व्यक्ति मिलकर एक समाज की रचना करते हैं, बदले में उनके अस्तित्व को सुखमय एवं उसके जीवन आदर्शों की उपलब्धि को संभव बनाता है। गांधी जी एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें वर्ग संघर्ष की जगह जन सहयोग, युद्ध की जगह शांति व सहयोग हो। गांधी जी का समाज वर्ग रहित, वर्ण रहित एवं राज्य रहित समाज की निश्चित अवधारणा थी। सर्वोदय संबंधी संकल्पना, गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ है एक व्यक्ति की भलाई में ही सबकी भलाई निहित है। इस अवधारणा से तात्पर्य है समाज के अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई के स्थान पर संपूर्ण लोगों की संपूर्ण भलाई, कल्याण एवं विकास हो। गांधी जी के अनुसार वकील एवं नाई दोनों के कार्य की कीमत एक सी होनी चाहिए, क्योंकि
आजीविका का अधिकार सबको एक समान है। मशीनीकरण एवं पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, गांधी जी का उद्देश्य किसी ऐसे समाज की व्यवस्था करना नहीं था जिसमें कृषक मशीनों के लाभ का परित्याग कर दे। वे बड़े पैमाने पर उत्पादन के विरोधी नहीं थे, लेकिन उनकी योजना के अनुसार जो वस्तुएं गांव में भली भांति उत्पादित की जा सकती हैं वे शहरों में पैदा न करने दी जाएं, और शहरों को गांव की पैदावार का बिक्री केंद्र बनाया जाए। पूंजीवादी व्यवस्था के संबंध में गांधी जी का मत था कि पूंजीवाद एक हिंसा है, क्योंकि यह मालिक और मजदूर के बीच कटुता को बढ़ावा देता है। गांधी जी पूंजीवादी व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि राज्य एकाधिकारवादी व अनैतिक बन जाता है तथा इससे समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति बन जाती है, जिसमें एक ओर साधन संपन्न व दूसरी ओर साधन विहीन पैदा हो जाते हैं। बुनियादी शिक्षा संबंधी अवधारणा, गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार भी आर्थिक स्वावलंबन से ओतप्रोत हैं। वे बुनियादी शिक्षा द्वारा बालकों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास के पक्ष में थे। गांधी जी अंग्रेजी व पाश्चात्य शिक्षा की भर्त्सना की और कहा कि विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे नागरिकों को शिक्षा देने से मातृभाषा की समृद्धि कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा देना करोड़ों लोगों को गुलामी में ढकेलने जैसा है। अंग्रेजी शिक्षा से दंभ, राग, द्वेष, जुल्म इत्यादि बढ़ते हैं। अस्पृश्यता व अत्याचार व अन्याय, गांधी जी ने अस्पृश्यता की अत्यंत कटु शब्दों में निंदा की है। यद्यपि कटुता उनके लिए अनभिज्ञ थी, उन्होंने घोषित किया है कि अगर मुझे यह प्रतीत हुआ कि हिंदुत्व वास्तव में अपृश्यता का समर्थक है तो मुझे स्वयं हिंदुत्व को तिलांजलि देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अतः मेरी मान्यता है कि अपने नाम की सापेक्षता बनाए रखने के लिए धर्म को नैतिकता और सदाचार के मूलभूत सत्य से असंगत नहीं होना चाहिए। अस्पृश्यता के इस स्वरूप ने मुझे सदैव अत्यंत क्लेश पहुंचाया है, क्योंकि मैं हिंदुत्व की भावना से आसक्त हिंदुओं में से अपने आप को एक समझता हूं। अस्पृश्यता के जिस स्वरूप में हम आज इसे मानते हैं तथा इस पर आचरण करते हैं, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन समस्त ग्रंथों में जिन्हें हम हिंदू शास्त्र कहते हैं कोई भी प्रमाण पाने में असमर्थ हूँ। मैं अस्पृश्यता को हिंदुत्व पर सबसे बड़ा कलंक समझता हूँ। यह विचारधारा मुझ में दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के दौरान मेरे कटु अनुभवों से उत्पन्न हुई। गांधी जी व बाबा साहब अंबेडकर दोनों ही छुआछूत के घोर विरोधी थे। अंबेडकर गांधी जी का इस दृष्टि से सम्मान करते थे कि उन्होंने सवर्ण होते हुए भी अछूतो द्वार का कार्यक्रम इतने व्यापक स्तर पर अपने हाथ में लिया। दोनों अपृश्यता निवारण के लिए कानूनी उपायों के साथ सामाजिक जागृति तथा सवर्ण के हृदय परिवर्तन पर बल देते थे। दोनों देशभक्त, राष्ट्रवादी एवं भारतीय स्वाधीनता के समर्थक थे, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के विपरीत विस्तार पूर्वक अपने भाषणों एवं पुस्तकों में बताया है कि स्वयं हिंदू धर्म शास्त्रों में अस्पृश्यता के तत्व विद्यमान हैं। अतएव उन सभी शास्त्रीय मान्यताओं तथा ब्राह्मणवादी ग्रंथों का विरोध करना आवश्यक है। अस्पृश्यता व अनुसूचित जाति के घोर अन्याय के विरुद्ध अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी और कहा कि एक प्रगतिशील समाज को अपने क्रांतिकारियों को जो श्रेय देना चाहिए उनकी मुझे परवाह नहीं। अगर मैं भारत के हिंदुओं को यह अनुभव करवा दूं कि वे भारत के अस्वस्थ लोग हैं और उनका रोग अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य
और खुशहाली के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है तो मुझे संतोष होगा। यह याद रखना चाहिए कि अस्पृश्यता को आमूल समाप्त करने हेतु हिंदू जाति की ओर से गांधी जी द्वारा दिया हुआ महत्वपूर्ण आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। धन्यवाद।